जय जिनेन्द्र, वंदितु सव सिद्धे ध्रुव ममल मणोव मंगदिं पते वो छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हम आश्रवाधिकार को समझ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने समझा था कि वह जो सम्यक दृष्टि जीव है वह अबंधक होता है, अर्थात कर्मों का बंध नहीं करता है। वीतराग सम्यक दृष्टि की चर्चा है। वह अबंधक क्यों होता है? क्योंकि आश्रव के जो भाव हैं, जिन भावों से, जिन निमित्तों से कर्मों का आश्रव हो रहा था, उन भावों का अभाव हो गया। वे भाव कौन कौन से हैं? वे भाव राग, द्वेष और मोह हैं। आज की इस कक्षा में आचार्य महाराज उसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि वे भाव कौन कौन से हैं जिनके अभाव हो जाने पर वह जीव अबंधक होता है। आइए गाथा क्रमांक 184। रागो दोषो मोहो, रागो दोषो मोहो, ये आसवाणत्थि सम्मदेठिस, ये आसवाणत्थि सम्मदेठिस, तम्हा आसव भावेण, तम्हा आसव भावेण, विणा हे दूण पच्चया होन्ति, विणा हे दूण पच्चया होन्ति। बोलिए, रागो दोषो मोहो, ये आसवाणत्थि सम्मदेठिस, तम्हा आसव भावेण, विणा हे दूण पच्चया होन्ति। रागो दोषो मोहो, ये आसवाणत्थि सम्मदेठिस, तम्हा आसव भावेण, विणा हे दूण पच्चया होन्ति। गाथा का अर्थ देखें। रागो दोषो मोहो, रागो अर्थात राग, दोषो अर्थात द्वेष, मोहो अर्थात मोह, यह मतलब और। राग, द्वेष और मोह, आसवाणत्थि, ये आश्रव, ये जो आश्रव के भाव हैं, नत्थि अर्थात नहीं होते हैं, किसके? सम्मदिट्ठिस, सम्यक दृष्टि के। सम्यक दृष्टि के ये आश्रव के भाव नहीं होते हैं, आश्रव नहीं होते हैं अथवा आश्रव के भाव नहीं होते हैं, एक ही बात है। सम्यक दृष्टि के ये आश्रव के भाव कौन कौन से? राग, द्वेष और मोह नहीं होते हैं। यहाँ कौन से सम्यक दृष्टि की बात चल रही है? यह बात चल रही है वीतराग सम्यक दृष्टि की, जो 11वें गुण स्थान से होते हैं। 10वें गुण स्थान तक राग, द्वेष, मोह हैं, वहाँ तक जो सम्यक दृष्टि है 4थे गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक के, वे सराग सम्यक दृष्टि कहे गए हैं। वीतराग सम्यक दृष्टि 11वें गुण स्थान से, इसलिए उन वीतराग सम्यक दृष्टि के राग, द्वेष और मोह नहीं होते हैं। तमहा, इसीलिए आसव भावेण विना, आसव भावेण अर्थात रागादि जो ये जो भाव आश्रव हैं, राग, द्वेष, मोह, इनके विना अर्थात बिना हेदुण पच्चया होंती, हेदु अर्थात कारण, निमित्त, न मतलब नहीं, पच्चया अर्थात द्रव्य प्रत्यय, होंती मतलब होते हैं। जो ज्ञानावरण आदि जो द्रव्य प्रत्यय हैं, द्रव्य कर्म हैं, वे फिर हेतु नहीं होते हैं। हेतु नहीं होते हैं तात्पर्य उस जीव के कर्मबंध का हेतु नहीं होते हैं। चर्चा चल रही है वीतराग सम्यक दृष्टि जीव अबंधक कैसे। उत्तर मिल रहा है यहाँ पर, जब वह जीव राग, द्वेष, मोह रूप भावाश्रव के जो निमित्त हैं, इन भावों का जब वो अभाव कर देता है, जब उस जीव के वीतराग सम्यक दृष्टि जीव के राग, द्वेष, मोह नहीं होता है, तब वे जो ज्ञानावरण आदि जो कर्म हैं, जो उस जीव के उदय में आ रहे हैं, वे कर्म भी, वे द्रव्य कर्म भी भावाश्रव के बिना अथवा भाव कर्मों के बिना नवीन कर्म बंध के कारण नहीं बन पाते हैं।
इसलिए आचार्य महाराज यहाँ पर उन भावाश्रव भाव कर्मों की बात कर रहे हैं। वे जो आश्रव नहीं हैं, भाव कर्म नहीं हैं, तो उस वीतराग समय दृष्टि जीव के बंध भी नहीं हैं। फिर से देखें गाथा का अर्थ। रागो दोसो मोहो ये, राग द्वेष और मोह, आसवा सम्मदिठिसनत्थी, ये आश्रव ये भाव सम्यक दृष्टि जीव के नहीं होते। तमहा इसीलिए आसव भावेण रागादि ये जो भाव कहे गए हैं, जो भावाश्रव हैं राग द्वेष मोह हैं, इनके बिना पच्चया हेदु न होती, जो द्रव्य प्रत्यय है द्रव्य कर्म है, ये कर्म बंद के हेतु नहीं होते हैं। इनके निमित्त से मात्र इनके द्वारा नवीन द्रव्य कर्मों का बंध नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पर जीव के भाव उस योग्य नहीं हैं, राग द्वेष मोह का अभाव है, इसलिए नवीन कर्मों का बंध नहीं। गाथा का भावार्थ देखें। राग द्वेष और मोह ये आश्रव सम्यक दृष्टि के नहीं होते, इसलिए रागादि भावाश्रव के बिना द्रव्य प्रत्यय अर्थात कर्म बंध के कारण नहीं होते हैं। पद्यानुवाद देखते हैं। योगी विराग समदृष्टि वही सही है, सम्मोह रोष रतिये जिन में नहीं है, रागादि आश्रव बिना विधि बंध हेतु होते न प्रत्यय कभी यह जान रे तू। अब आचार्य भगवान इसी बात को और आगे समझा रहे हैं, जो चार प्रकार के हेतु कहे गए हैं, मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग, इनके निमित्त से जो आठ प्रकार के कर्माश्रव होते हैं, जब रागादि नहीं है तो ये कर्मों का आश्रव भी नहीं होता है। आइए देखें। हे दु चदु वियप्पो, हे दु चदु वियप्पो, अठ वियप्पस कारणं होदि, अठ वियप्पस कारणं होदि, ते सिंपिय रागादि, ते सिंपिय रागादि, तेसिम भावेण बज्जन्ति, तेसिम भावेण बज्जन्ति। बोलिए। हे दुचदु वियप्पो, अठ वियप्पस्य कारणं होदि, तेसिम पिय रागादि, तेसिम भावेण बज्जन्ति। हे दुचदु वियप्पो, अठ वियप्पस्य कारणं होदि, तेसिम पिय रागादि, तेसिम भावेण बज्जन्ति। बहुत सुंदर गाथा है, इसका अर्थ हम देखते हैं। अब तक जो हमने पूरा विषय पढ़ा उसको यहाँ संक्षेप में बहुत अच्छी तरह से आचार्य महाराज समझा रहे हैं। हेदु चदु वियप्पो, हेदु अर्थात हेतु कारण, चदु अर्थात चार, वियप्पो मतलब प्रकार के, जो चार प्रकार के आश्रव बंध के कारण कहे हैं, कौन कौन से? मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग, ये जो चार प्रकार के हेतु हैं। अठ वियप्पस, आठ प्रकार के जो कर्म कहे गए हैं ज्ञानावरणादि, उन कर्मों के कारणम होदि, कारण होते हैं। आठ प्रकार का कर्म क्यों बंधा? इन चार प्रकार के हेतुओं के कारण, मिथ्यात्व आदि चार प्रकार के हेतुओं के कारण ज्ञानावरणादि आठ कर्मों का बंध होता है। आगे कह रहे हैं तेसिम पिय रागादि, तेसिम उन हेतुओं का भी जो कारण है, वो जो मिथ्यात्व आदि चार हेतु थे, उनका भी जो कारण कौन है? रागादि, राग द्वेष आदि जो भाव कारण हैं, जो राग द्वेष आदि भाव आत्मा के हैं, विभाव हैं, वे उन मिथ्यात्वादि के कारण हैं। तेसिम अभावे, उनका अभाव होने पर अर्थात उन राग द्वेष आदि का अभाव होने पर न बज्जंती, वह सम्यक दृष्टि जीव कर्मों का बंध नहीं करता। फिर उस सम्यक दृष्टि जीव के कर्मों का बंध नहीं होता। देखो बहुत अच्छी तरह से हम इस चीज को समझें। ज्ञानावरणादि आठ कर्मों के बंध का कारण कौन? उत्तर मिलेगा मिथ्यात्व आदि चार निमित्त, चार प्रत्यय। उन मिथ्यात्वादी चार निमित्तों का कारण कौन? उत्तर मिलेगा राग द्वेष आदि भाव कर्म।
जब राग द्वेष आदि भाव कर्मों का ही अभाव हो गया तो फिर मिथ्यात्वादि का भी अभाव हो गया, फिर ज्ञानावरण आदि आठों कर्मों का भी अभाव हो गया। क्यों? जो मुख्य है राग द्वेष है, जब उसका अभाव हो गया तो फिर वह जीव नूतन नवीन कर्मों का बंध कैसे कर सकता है। इसलिए यहाँ ये कह रहे हैं, फिर से देखें एक बार गाथा का अर्थ। हेदु चदु वियप्पो, हेदु मतलब जो कारण है चार प्रकार का, मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग, वह जो कारण है वो अठ वियप्पस से आठ प्रकार के जो ज्ञानावरणादि कर्म हैं उनका कारण होता है। तेसिम्पी, और उन हेतुओं का भी जो कारण है वो कौन है? रागादि राग द्वेष आदि भाव हैं। तेसिम अभावे, उन रागद्वेश आदि भावों का अभाव हो जाने पर न बज्जंती, वह सम्यक दृष्टि जीव के कर्मों का बंध नहीं होता है। क्यों? जो मूल है वो रागद्वेश है, जब उस मूल को ही समाप्त कर दिया, जब वह मूल ही नष्ट हो गया तो फिर उसके आगे रागद्वेश आदि नहीं है, इस कारण से मिथ्यात्वादी भी नहीं है, मिथ्यात्वादी प्रत्यय हेतु नहीं है, तो फिर ज्ञानावरणादि आठों कर्मों का बंध भी नहीं है। गाथा का भावार्थ देखें। मिथ्यात्व आदि चार प्रकार के हेतु आठ प्रकार के कर्मों के कारण होते हैं, और उन चार प्रकार के हेतुओं के कारण कौन है? जीव के रागादि भाव हैं। उन रागादि भावों का अभाव होने के कारण सम्यक दृष्टि के कर्मबंध नहीं होता। बहुत सरल गाथा, बहुत स्पष्ट सी बात। कर्मबंध क्यों नहीं होता? रागादि भावों का अभाव है। जब रागादि भावों का अभाव है तो मिथ्यात्वादी चार कारण भी नहीं होना, जब मिथ्यात्वादी चार कारण नहीं होना तो फिर ज्ञानावरणादि आठ कर्म भी नहीं बंधते हैं। भैया जी, क्या स्वाध्याय करते हुए भी सारे कर्म बंधते हैं? हाँ, चाहे आप स्वाध्याय कर रहे हो, चाहे स्नान कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, भोजन कर रहे हो, चाहे सो रहे हो, ऐसा कोई सा भी समय नहीं होता जब सभी कर्मों का बंध नहीं होता। आयु कर्म को छोड़ करके शेष सात कर्मों का बंध जीव प्रति समय करता है। आयु कर्म का जब अपकर्ष काल आता है तब वह जीव आठों कर्मों का बंध करता है। अंतर सिर्फ इतना सा पड़ता है कि जब वह जीव स्वाध्याय आदि कर रहा है तब उस समय उसके ज्ञानावरण कर्म का जो अनुभाग है वह अधिक होता है, वह ज्ञान की प्राप्ति के साधन जुटा रहा है। जब स्थिति और अनुभाग बंध की हम बात करते हैं तब वह कषाय के निमित्त से पड़ता है। हम इन दोनों को समझते हैं, स्थिति बंध। हम सबसे पहले कर्म प्रकृतियों की बात करें, आठ कर्म, उनके उत्तर भेद करेंगे तो 148 कर्म प्रकृतियाँ, उनको हम दो भागों में विभाजित करते हैं जब हम स्थिति बंध की बात करते हैं। तीन शुभ आयु अलग और 145 प्रकृतियाँ अलग। जब तीव्र कषाय रूप परिणाम होते हैं तब 145 कर्म प्रकृतियों की स्थिति ज़्यादा होती है और तीन की कम होती है। जब मंद कषाय रूप परिणाम होते हैं तब तीन शुभ आयु की स्थिति ज़्यादा होती है और 145 की कम होती है। ये तो हुआ स्थिति बंद। हम अनुभाग बंद की चर्चा करें। अनुभाग बंद में हमने दो भेद किए, 68 पुण्य प्रकृतियाँ, 100 पाप प्रकृतियाँ। जब तीव्र कषाय रूप परिणाम होते हैं तो पाप प्रकृतियाँ जो हैं उनका अनुभाग ज़्यादा पड़ता है, पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग मंद पड़ता है। जब मंद कषाय रूप परिणाम होते हैं तो पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग ज़्यादा होता है और पाप प्रकृतियों का अनुभाग कम होता है। इस प्रकार ये स्थिति और अनुभाग बंद कषाय के निमित्त से पड़ा। हम कोई सी भी क्रिया कर रहे हों उस समय हमारे कषाय, हमारे परिणाम कैसे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वह कर्म किस प्रकार की स्थिति और अनुभाग वाला होता है। एक बात हम यह भी समझें, प्रत्येक कर्म बंध जब होता है उस समय चारों बंध एक साथ होते हैं। जोगा पयड़ी पदेशा थिदि अनुभागा कषायदो होंती, योग के निमित्त से प्रकृति प्रदेश बंध और कषाय के निमित्त से स्थिति अनुभाग बंध, जब भी बंद होंगे चारों होंगे। जिस समय कर्म का बंध हुआ उस समय चारों बंध एक साथ हो जाते हैं। जैसे परिणाम हुए, जैसे कषाय रूप परिणाम हुए वैसा स्थिति अनुभाग बंध, और जैसे मन वचन काय की चंचलता हुई योग हुए उस अपेक्षा से प्रकृति प्रदेश बंध। इसलिए आचार्यों ने 10वें गुणस्थान से ऊपर 11वें 12वें और 13वें गुणस्थान में जो आश्रव कहा वो किस अपेक्षा से? कषाय तो वहाँ है नहीं लेकिन योग के निमित्त से वहाँ पर कर्मों का आश्रव हो रहा है। अब प्रश्न हो सकता है तो फिर वहाँ तो मात्र प्रकृति प्रदेश दो ही बंध हो रहे हैं,
स्थिति और अनुभाग कहाँ हो रहा है? आचार्यों ने लिखा, बंद जब भी होगा चारों एक साथ ही होंगे, वहाँ जो कर्म बंद हो रहे हैं कषाय के अभाव के कारण से स्थिति और अनुभाग से रहित हैं। वो स्थिति अति मंद है, अनुभाग अति मंद है, इसलिए उसका वर्णन नहीं कहा। एक समयवर्ती है, कर्म बंधा अगले ही समय में उदय में आकर के समाप्त हो गया, इसलिए उस स्थिति को स्थिति बंध रूप नहीं कहा। कषाय जहाँ होती है तो वहाँ तीव्र और मंद की अपेक्षा से भेद पड़ता है, लेकिन वहाँ कषाय के अभाव की अवस्था है इसलिए वहाँ उसमें भेद नहीं पड़ता। इसलिए इरियापत आश्रव में कषाय से रहित योग के निमित्त से आश्रय होता है, इस प्रकार समझना चाहिए। हमने जो आज का प्रकरण पढ़ा उससे हमको समझना है, जो सम्यक दृष्टि जीव है, वीतराग सम्यक दृष्टि जीव है, ये कर्मों के उदय आने पर उदय के समय में किसी भी प्रकार से राग द्वेष रूप मोह परिणाम नहीं करता है, और इसी कारण से उसके नूतन नवीन कर्मों का बंध नहीं होता है। हमें भी अपना लक्ष्य वही बनाना है, संसार में गृहस्थ में रहते हुए भी राग द्वेष और मोह से जितना बचने की कोशिश करें उतना बचें, और लक्ष्य यही बनाएं कि हमें एक दिन वीतराग सम्यक दर्शन को प्राप्त करके सिद्ध अवस्था तक पहुंचना है। पद्यानुवाद देखें। सिद्धांत में कथित प्रत्यय चार होते, दृष्टाष्ट कर्म जिस कारण बंध होते, रागादि हेतु बनते चौ प्रत्ययों के, रागादि का विलय ही विधि बंध रोके। क्या ग्रहण करना? अंतिम पंक्ति, रागादि का विलय ही विधि बंध रोके। राग द्वेष आदि जब विलय हो गए, समाप्त को प्राप्त हो गए, तब वही विधि बंध कर्मों का बंध रोकते हैं। इसलिए लक्ष्य बनाना है राग द्वेष और मोह को कम करना, समाप्त करना। जय जिनेंद्र।